कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों को एक और ब्लॉग में, मिस्टर वीरेंद्र कुमार ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग कैसे हैं, आपके परिवार में कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि सब कोई अच्छा हो और ईश्वर करे सब कोई अच्छा रहे। तो गाइस, हम भी आए हैं थोड़ा गाँव के बाहर। घर पर बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए हम सोचे कि चलते हैं खेत की तरफ, इधर ही घूमेंगे। गाइस, हम लोग छोटे छोटे गांव के रहने वाले हैं और देहात वगैरह एरिया का रहने वाले हम लोग, तो गांव में क्या रखा कि गांव में रहेंगे या घूमेंगे, इसीलिए हम लोग खेत में आ गए हैं। गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जो अगर वो आपके इधर होता हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हमारे इधर देखिए क्या चीज़ का पेड़ है, सभी मैं आप लोगों को उखाड़ के दिखाता हूँ। एक इसमें कांटे भी हैं, देखिए आप लोग, शायद आप लोगों की इधर होता हो तो आप लोग शायद जान जाएंगे, और इसका नाम कमेंट में बताइएगा। तो हमारे इधर बहुत ज़्यादा हुआ है, देखिए पूरे खेत में आप देखेंगे, पूरा यहाँ पे आप देखिए, बिना चप्पल के आप चल नहीं सकते, इतना इसमें कांटे होते हैं, बिना चप्पल के चल नहीं सकते इससे। तो इसलिए गाइस, हम तो चप्पल भी पहने इसीलिए इसमें चल रहे हैं, नहीं तो हम भी नहीं चलते हैं। तो गाइस, हम चल रहे हैं थोड़ा आगे खेत में, वहाँ पहुँचने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। और देखिए गाइस, हमारे गांव का रोड, खेत में जाने के लिए रोड, देहात का रोड कैसा रहेगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक चलते हैं आगे की। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने खेत में, और एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए क्या चीज़ है। आप लोग ज़रूर इसको जानते होंगे, आपके तरफ मालूम नहीं क्या नाम होगा, हमारे इधर इसको बेशरमा बोला जाता है, और काफ़ी मशहूर चीज़ है, इसको कितने लोग बेशरम भी बोलते हैं। और ये बेशरमा का पेड़ है, अभी तो फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है, इसमें फूल आने के बाद काफ़ी बेहतरीन दिखाई देगा, बिल्कुल अड़हुल की फूल की तरह इसका फूल आता है। तो अभी फूल आने वाला है, 15-20 दिन में इसमें फूल आ जाएंगे, तो मैं वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तो गाइस, यहाँ का लुक देखिए, चारों तरफ हरियाली हरियाली, काफ़ी बेहतरीन पूरा हरियाली है। तो गाइस, फाइनली हम खेत पे आ चुके हैं, और ये सामने जो खेत है, ये वाला जो वाइट वाइट दिख रहा है आप लोगों को, ये मेरा खेत है, और उसमें हम चलते हैं। उसके बाद थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, वहाँ पे धूप थोड़ा हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ है, और बारिश होने के बाद हम थोड़ा आए हैं खेत की तरफ। घर पे बैठे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए हम बोले कि घूमते हैं खेत में जाके। तो तब तक फाइनली हम अपने खेत पर आ चुके हैं, देखिए ये अभी हम अपने खेत में हैं, बिल्कुल ये हमारा खेत है। तो हम इसमें तिल बो रहे हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था इसमें तिल बो रखे हैं, फिलहाल जम रहा है सभी अच्छे से। गाइस, ये नदी की ज़मीन है, जो अगर बाढ़ आ गई तो हमको नहीं मिलेगा, हमारा जुताई बीज भी पूरा वेस्ट हो जाएगा। जो अगर पानी नहीं आया तो शायद कुछ फसल हो जाए। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। तो गाइस, पुराने के ज़माने में ये जितना आप लोगों को दिख रहा है, बेशरम और भी कबाड़, पहले यहाँ पे नदी बहती थी, अभी फ़िलहाल ये नदी बंद हो गई है, अभी नदी वहाँ पे बहती है, वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है सेकंड वाला, ये पेड़ छोड़ के सेकंड में आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे बहती है, वो भी मैं दिखाऊँगा। फिलहाल आप लोग देखिए देहात का नज़ारा, इसीलिए शायद देहात के लोग खुश रहते हैं, इतनी थोड़ी सी ज़मीन में अपना जोतते बोते खाते बनाते और हंसी खुशी से रहते हैं। देखिए जहाँ तक देखेंगे पूरा ये साइड पूरा ये नदी ही था, लेकिन फ़िलहाल अभी बंद हो चुका है। तो अभी देखिए हमारा खेत में भी तिल थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है, छोटा छोटा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा,
और हम फाइनली इस पेड़ के नीचे थोड़ा 5 मिनट वेट करेंगे, क्योंकि गर्मी भी आ गया, प्यास भी लग रहा है। तो अब पानी तो घर जाने के बाद ही मिलेगा, नहीं तो हमको पानी वहाँ पे मिलेगा जो वो वाइट वाइट आप लोगों को मकान दिखा रहा है, तो हमें नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो फाइनली हम नदी क्रॉस नहीं करेंगे, घर पे जाएंगे, पानी पियेंगे। तो हम नदी पे चल के आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस हम पेड़ के नीचे आ चुके हैं, आप देखिए क्या बेहतरीन नज़ारा है, वाह आप देख सकते हैं।